तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। यहाँ फ्री फायर में लैन क्या नॉर्मल टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजीएमआई में दबा दबा के लैन हो रहे हैं, और लैन तो लैन टीम अप एलिगेशंस भी लग रहे हैं। समझ रहे हो ना। लेकिन ये समझ नहीं आया कि बाथरूम में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। तुम कहाँ यार बीजीएमआई की बातें करवा रहे हो, आराम से फ्री फायर न्यूज देखो और सब्सक्राइब करो। सही बात है। आज हमें एटलीस्ट 12.3 के तो करने ही हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है ई स्पोर्ट्स के एक लीजेंड यानी कि TSG लीजेंड की तरफ से, जिन्होंने अपने बारे में और टीम के बारे में काफी सारे इनसाइट्स दिए हैं, तो आओ देखते हैं। जर्नी कहाँ से शुरू हुई, हाउ डिड यू बिकम व्हाट यू आर टुडे, क्योंकि एक दिन की जर्नी नहीं होती है, इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि आप जहाँ तक पहुंचे हो वहां तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन के साथ साथ सैक्रिफाइसेस चाहिए, तो वी वांट टू नो योर एंटायर जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट। तो पहले तो मैं खेलता नहीं था ई-स्पोर्ट्स, ऐसे ही रैंक वैंक खेलता था लाइव पे ऋतिक लोग के साथ। तो ऋतिक ये गए थे, इंडोनेशिया गया था, उसके बाद वो वहाँ से परफॉर्म उतना खास तो नहीं, बट इधर इंडिया से तो जीत के गया था। तो आके जब वो लोग का टीम डिसबैंड हुआ तो मैं तो मतलब अच्छा ही खेलता था रैंक वगैरह में भी, तो उसने मेरे को बोला था कि तू टीम ज्वाइन कर, तो बस उधर से ही चालू कर दिया मैंने। सोचा आप शुरुआत यहीं से कर रहे हो, अभी तक यहीं है, एंड वी हैव सीन यू विनिंग द टूर्नामेंट्स, काफी ज्यादा टूर्नामेंट आप जीतते हो। फायर पावर की बात आती है तो लेजेंड इज वन ऑफ द प्लेयर, जहां पर 1v3 क्लच निकालना इजी है, काफी बार आप स्क्वाड वाइप भी करते हैं, बट व्हाई नो ऑफिशियल टाइटल? आपको क्या पर्सनली लगता है, ऐसा क्या रीजन है कि ऑफिशियल टाइटल नहीं है आपके पास? पता नहीं, अभी हम लोग का ओपन क्वालिफायर में नशीब थोड़ा अच्छा नहीं चलता है, और बाकी लक का ज़्यादा रहता है ओपन क्वालिफायर में, इसलिए हम लोग आगे जा नहीं पाते, बट अब जब गेम खुलेगा तो हम फुल ट्राई करेंगे एक बार ऑफिशियल में जाके और जीतने के लिए। आपको टीम माफिया ज्यादा पसंद है या टीम ओरांगुटान? लाइव से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रॉम प्रबल खाटका। फिलहाल टीम माफिया का फॉर्म काफी सही चल रहा है, बहुत ज्यादा सही। ये पूरा इंटरव्यू ई स्पोर्ट्स के चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। नेक्स्ट अपडेट है ऐसे जंगल से, जहां बैठ के इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स टीम सब कुछ मंगल करेगी, तो आप फिर देखते हैं जंगल को यानी कि द फॉरेस्ट की झलक आज के दिन पे, ये फॉरेस्ट के टीजर को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बूट कैंप्स अच्छे हो सकते हैं लेकिन अच्छे से भी ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है इंडिया पे, तो वो द फॉरेस्ट माना जाता है। तो देखते हैं देवी और सचिनो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरी और भाई की भी रहने वाली है, तो बढ़ेंगे हमारे टीजर की तरफ और एक बार से निगाहें डालेंगे ऑन द फॉरेस्ट, द होम ऑफ एप्स। एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है नवनीत कुमार को, और कल आवाज थी पहाड़ी की, सबने सही पहचाना था, वेरी गुड। अब जरा आज की आवाज गेस करो, रहा नहीं जाता तरफ। ये तो पक्का सबको पता ही होगा, शायद कोई होगा जिसने ये आवाज ना सुनी हो, तो बता दो जल्दी से कमेंट्स में, और यार लाइक कर दो, हमें 2 घंटे के अंदर 2K लाइक्स कंप्लीट करने हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। और यार अब तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी चेंज कर दिया है, अब तो आके फॉलो कर लो अपने भाई को। अगली अपडेट है ओजी रंबल इन द जंगल से, तो फाइनल डे पे टीम गॉडलाइक अपने गॉडलाइक फॉर्म में वापस आ गई, और फिर सबको पीछे छोड़ते हुए जंगल में मंगल कर दिया, मतलब टूर्नामेंट जीत लिया। फ्री फायर लाइनअप से बेचारे जोनाथन का दुख देखा नहीं गया, मास्टर सीरीज के बाद ये गिफ्ट है उसके लिए, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकंड पर रही ओजी एंड थर्ड पोजीशन पर रही द माफियाज, और हमेशा की तरह MVP का खिताब गया TM माफिया के पास। अब तो यार याद ही नहीं रहता है कि MVP का प्राइज भी होता है, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बस देख लो कि माफिया के कितने किल्स हैं।
नेक्स्ट अपडेट है लिडोमा प्रो लीग से, जिसको जीत लिया हमारी नई नवेली टीम टीएसजी आर्मी ने। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकंड पोजीशन ग्रैब किया द माफियाज ने एंड थर्ड पोजीशन पे रही बॉस ऑफिशियल। इसके बाद लिडोमा ने बुलाया था रोनित और इनसेन को इंटरव्यू के लिए, जहाँ रोनित ने कुछ तीखे रिप्लाई दिए। साथ ही में सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि टीएसजी के साथ कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है आपका अपनी टीम से खेल चुका हेक्स ईस्पोर्ट्स आपने खेला, आपने उसके बाद ओजी एलीट से खेला, उसके बाद आपने यहाँ पे ज्ञान गेमिंग से खेला, देन टीएसजी काफी ज्यादा आपका मुश्किल भरा सबक रहा था, उसके बावजूद आपकी फॉर्म में कोई भी कमी नहीं, आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो ये मोटिवेशन का क्या राज है? बस कुछ नहीं, दिखाना पड़ता है लोगों को कि अगर तुम नहीं खिला सकते तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह जाएंगे, हम अपने तरफ से भी खेल के कर सकते हैं कुछ ना कुछ। लिटरली जी बहुत बढ़िया है, आप आपने जवाब दिया। लिटरली हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे साबित करने वाली चीजें होती है लाइफ में, कुछ ऐसे ट्रेनिंग पॉइंट आते हैं गाइस जिसमें आपको किसी किसी लोगों का जवाब देना, कुछ कुछ लोगों का जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन वो चीज आप तभी कर पाते हो जब आप अपना बेस्ट दो, जब आप कुछ ऐसा काम करो जिसके लिए लोग जाने, जिसके लिए लोग आपकी तारीफ करें। सबसे बड़ा रिप्लाई यही होता है, टूर्नामेंट जीत के दिखाना, और फाइनली रोनित ने वो कर दिखाया। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है राघव सिंह को। अगली अपडेट है ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स से, जिन्होंने अपना गर्ल्स रोस्टर बना लिया है, जिसमें है ली, लेडी लव, शालिनी, एरियाना एंड मोना। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है राकेश बिस्ट को। नेक्स्ट अपडेट है ब्लिसमेट्स के बारे में, तो रोकी भाई ने हिंट दी थी कि ज्ञान गेमिंग के एक्स प्लेयर राज थक ब्लिसमेट ज्वाइन कर चुके हैं। ब्लिसमेट्स ऑन स्क्रीन आ चुके हैं, एक रूमर है कि रूमर मैं इसीलिए कहूँ कि जब तक देख ना लूं तब तक विश्वास नहीं कर सकता कि मिस्टर राज थक जो कई दिनों पहले एक हल्की सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ ही लेफ्ट द ज्ञान गेमिंग, उसके बाद सुनने में आया कि मिस्टर राज थक हैज एब्सोल्युटली ज्वाइंड द टीम ऑफ ब्लिसमेट्स, जो कि एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से ब्लिसमेट के लिए बात रहेगी कि एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी जो है इनमें एक्वाइज हो चुका है। एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है प्रीत मेहर को, लेकिन अब ये र्यूमर नहीं रहा है क्योंकि ब्लिसमेट्स ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि राज तक अब उनके रोस्टर का ही पार्ट है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। अगली अपडेट आइकॉनिक के बारे में, जिन्होंने गॉडलाइक के अगेंस्ट एक आइकॉनिक क्वाड्रा किल कर दिया है। रॉकी टीएसजी का टट्टा, ये बात गलत है गाइस, देखो ये बात गलत है। इतने दिन माफियाज बहुत अच्छा खेली, टॉप फॉर्म में थी, जम के तारीफ हुई, आज अगर टू साइड गेमर्स ने अपनी मेहनत से मैच जीता उनके सामने तो आप अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हो, दैट इज नॉट फेयर हां दैट इज नॉट फेयर गाइस। आई नो भाई कई बार डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट गाइस आप समझिए मैं कास्टर हूं और माफियाज जीतती तब आई वुड हैव रिएक्ट द सेम। अब आप मेरे को इतने दिन तक बोलते हो रॉकी माफिया का चमचा वगैरह वगैरह, आज टू साइड गेमर्स ने जीता जो कि दिख भी रहे थे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो भाई उसमें आपको क्या दिक्कत हो गया यार, अच्छा खेले जीत गए, क्या हो गया उसमें? ये तो अच्छी बात नहीं है ना गाइस, आपको सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए ब्रदर, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अच्छी बात नहीं है गाइस। टीएसजी अच्छा खेल रही है तो उसको एडमिट करो ना, जैसे माफियाज इतना जबरदस्त खेली, सबने बहुत दिल खोल के तारीफ की। ओ कोत्रा खेल भाई मिस्टर आइकॉनिक, गुस्से में गए थे आइकॉनिक और आते ही क्वाड्रा किल, मिस्टर आइकॉनिक का क्वाड्रा किल। एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है मनराज सिंह को। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, शाम तक 12.4K सब्सक्राइबर्स कर देना। चलो मिलेंगे कुछ शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।